अगस्त महीने में सबको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, और मोस्ट फॉर क्रिएटर वाले सेक्शन में ये लिखा हुआ आ रहा था कि वेल बिगन इज हाफ डन, होल्ड ऑन टाइट। तो इससे रिलेटेड हमने कई सारे वीडियोस बनाए कि आप इस तरह से मोस्ट टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और कई सारे क्रिएटर्स ने ईमेल भी किया तो उनका सॉल्यूशन हो चुका है। पर अब अगस्त महीने में जो भी नए क्रिएटर है जिनके महीने से काम करे, दो महीने से काम करे, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो अब नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। उनकी प्रोफाइल पर मोस्ट फॉर क्रिएटर वाले सेक्शन में कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ रहा है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, मतलब कि आप अपना लक इतने दिनों के बाद आजमा सकते हैं, 25 days, 14 days। पर एक्चुअल में हमने कौन सी ऐसी गलती की है जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रिजेक्ट कर दिया है? जी हाँ दोस्तों, बेटर लक नेक्स्ट टाइम का मतलब यही होता है कि आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट हो गई है एमएफसी प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली किसी को भी क्या प्रॉब्लम उनकी प्रोफाइल पर किया गया है जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, आपको कोई भी पर्सनली आपको नहीं रीजन बताया गया है, पर्सनली कारण नहीं बताया गया है इस कारण से आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट कर दी गई है, सबकी प्रोफाइल पर सेम ही प्रॉब्लम आ रहा है, मौज लाइट हो या फिर मौज ऐप के क्रिएटर हो, सबकी प्रोफाइल पर एक ही डैशबोर्ड आ रहा है, वो है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो दोस्तों इसी का सॉल्यूशन लेकर मैं इस वीडियो में आया हूँ कि आपकी कौन सी ऐसी गलती है जिसकी वजह से मोज टीम सबके प्रोफाइल पर नॉन ओरिजिनल हाई क्वालिटी वाला बैच लगा दे रही है, किसी का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर आपने इस वीडियो को फुल वॉच कर लिया तो आपका भी सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, आपने गलती की है या फिर नहीं की है सब कुछ आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे हेल्पफुल और मजेदार कंटेंट आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर साइड में अपना जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो ऑन कर दिया है, मैंने अपना दूसरे मोबाइल में एक आईडी अपनी ओपन की है जो कि मेरी है गुजराती कॉमेडी नंबर वन। अब इसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ आ रहा है बेटर लक नेक्स्ट टाइम, जबकि ये सारे वीडियोस है वो मेरे खुद के ओरिजिनल है, खुद के वॉइस में है, आप भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, मेरे अपने वॉइस में है, हाई क्वालिटी में है, मेरा 16 MP का फ्रंट का कैमरा है, बिल्कुल मजेदार चटाकेदार वीडियो शूट हो रहे हैं, फिर भी मोस्ट टीम ऐसा क्यों कह रही है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको घबराना नहीं है कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम लिखा हुआ है, नॉन ओरिजिनल वीडियो लिखा हुआ है। मैं भी जानता हूँ आपने अपने ही ओरिजिनल वीडियो पोस्ट किए, सब क्रिएटर्स तो सेम नहीं होते, कोई क्रिएटर होता है जो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अपने प्रोफाइल में नॉन ओरिजिनल वीडियो पोस्ट करता है, तो इसके लिए ये लागू होता है। जो भी क्रिएटर्स अपनी मौज या फिर मौज लाइट एप्लीकेशन में ओरिजिनल वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं उनकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी क्रिएटर्स अपनी प्रोफाइल में दूसरों के वीडियो डालते हैं तो अभी से सावधान हो जाओ, अभी से वीडियो डिलीट कर दो वरना आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको अपनी प्रोफाइल में अपने ही ओरिजिनल वीडियो पोस्ट करने हैं, वो चाहे आपके वॉइस में हो या फिर लिप सिंक करते हो। सबसे पहली बात, आपको किसी भी एप्लीकेशन का वॉटरमार्क नहीं होना चाहिए, अभी आपकी एप्लीकेशन में इंस्टाग्राम रील्स या फिर किसी भी दूसरी एप्लीकेशन का वॉटरमार्क है तो अभी के अभी डिलीट कर दीजिए और अपने हाई क्वालिटी में वीडियो जो है वो शूट करके अपलोड करिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और दूसरी बात आती है, फर्स्ट है नॉन ओरिजिनल, दूसरी है हाई क्वालिटी। तो हाई क्वालिटी वीडियो हम कैसे शूट कर सकते हैं? तो फ्रंट में किसी किसी के मोबाइल की कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं आती, तो रियर में पिछले कैमरे से सबकी हाई क्वालिटी वीडियो शूट हो रही है, तो आप ट्राई करिए ज्यादा से ज्यादा पिछले कैमरे से वीडियो शूट करने के, ताकि आपके भी वीडियो हाई क्वालिटी में आए और आपके कैमरा क्वालिटी भी अच्छी है, फिर भी आपके यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि हाई क्वालिटी वीडियो नहीं है, तो आपको क्या करना है, सुबह के टाइम पर जो सनलाइट आती है आपके फेस पर, वो सुबह के टाइम आपको वीडियो शूट करने है या फिर आउटडोर जाके वीडियो शूट करनी है, ताकि आपके हाई क्वालिटी में आए और आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके। तो अब बात आती है कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम 14 days, 28 days, 30 days आ रहा है, तो अब क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं कहना है, अब मैं जो भी कह रहा हूँ ध्यान से आपको सुन लेना है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारा मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है इस वीडियो को बनाने में। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको क्या करना है, आपने शुरू से लेकर अब तक जो भी किया है गलती उसको सुधार लो। जितने भी क्रिएटर्स जो जिनको लिखा हुआ आ रहा है बेटर लक नेक्स्ट टाइम, तो आपको अपनी प्रोफाइल खुद से चेक करनी है, आपके ओरिजिनल वीडियोस है, अगर ओरिजिनल वीडियोस है तो ठीक है, दूसरे के वीडियो कॉपी की है तो अभी से अभी जितने भी वीडियोस कॉपी की है वो डिलीट कर देने हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट, आपने किसी भी एप्लीकेशन के जैसे कि मौज है,
जिली है या फिर इंस्टाग्राम रील्स है, वहां से वीडियोस डाउनलोड की होगी, यहाँ पर पोस्ट किए होंगे तो वॉटरमार्क रहेगा, तो वॉटरमार्क वाले वीडियोस जितने भी है वो अभी से अभी हटा दीजिए और फिर आपको वॉटरमार्क वाले सारे वीडियोस आपको डिलीट कर देने हैं। आपको अपने ओरिजिनल कैमरे से ही वीडियोस शूट करने और एडिट करने के फिर मौज लाइट या फिर मौज ऐप में अपलोड करने हैं। डेली आपको 3 वीडियोस पोस्ट करने हैं और एक साथ पोस्ट नहीं करने। अब कई सारे क्रिएटर्स के ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं कि भाई हमारे लाइक्स नहीं आ रहे, व्यूज नहीं आ रहे, हमारे वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं बढ़ रहे, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, तो इसका क्या मतलब है? आपने 3-4-5 वीडियोस बनाए या फिर 10 वीडियोस बनाए और एक साथ ठोक दिए, सब इस प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दिए एक ही टाइम, तो इस तरह से आपकी रीच नहीं बढ़ेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ दिन में 3 वीडियोस कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 3 वीडियोस ही पोस्ट करने हैं। कम से कम मतलब कि 3 वीडियो से कम नहीं करने हैं और 3 वीडियो से ज्यादा नहीं करने, डेली 3 वीडियो पोस्ट करने। अब सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? तो सुबह के 9 बजे आपको एक वीडियो पोस्ट करना है, दोपहर के बाद 12 बजे या फिर 1 बजे भी दूसरा वीडियो पोस्ट करते हो और शाम को 6 बजे सबसे अच्छा टाइम है आपकी वीडियो की रीच बढ़ाने के लिए। तो डेली आपको 3 वीडियोस इन 3 टाइम पर पोस्ट करने हैं और जो भी ट्रेंडिंग हैशटैग चल रहे हैं उसमें भी आपको वीडियोस बनाने हैं जिससे आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो सके। अब बात आती है, सभी क्राइटेरिया आपने पूरा कर दिया तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 25 डेज, मतलब कि 25 डेज के बाद आप कैसे अप्लाई करोगे। तो जैसे 25 डेज या फिर 14 डेज आपको जितने भी डेज बता रहे वो पूरे होने के बाद आपको वहां पर अप्लाई करने का फिर से ऑप्शन आएगा और आपको अप्लाई कर देना है। और ध्यान से डेली आपको एक्टिव रहना है, 3 वीडियोस बनाने, जो भी चैलेंजेस आते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना है और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि आपको बेटर लक नेक्स्ट टाइम लिखा हुआ आ रहा है। आपको डेली एक्टिव रहना है, मेहनत करनी है और अपना थोड़ा मोटिवेशन रखना है, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। सबका होता है तो आपका भी हो जाएगा, आप इतनी मेहनत करते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे से पर्सनल बात करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।